पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार की बैठक जारी है। विधानसभा के प्रभारियों के साथ में बैठक जारी है। सभी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रभारी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम आवास पर बैठक चल रही है, विधानसभा के प्रभारियों के साथ में ये बैठक हो रही है। बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, बड़ी जानकारी तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पर ही ये बैठक चल रही है तो कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सभी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और प्रभारी इसमें शामिल हुए हैं। पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार की बैठक जारी है। आपको बताते चले, विधानसभा के प्रभारियों के साथ ये बैठक हो रही है। सभी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम आवास पर ही ये बैठक चल रही है तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं अलग अलग समय पर। तो ऐसे में आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार कई बार पहले भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव तय समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में भी दिख रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं।